आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। भारत पहुंच चुकी सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में, रह चुकी जांच का विषय बन चुकी अंजू के लिए अब एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, अंजू के लिए उसका पति जो पाकिस्तानी पति है नसरुल्ला, वो उससे मिलने के लिए लगातार बेताब हो रहा है। अंजू ने दावा किया है कि नसरुल्ला को मेरी बहुत याद आ रही है, लगातार फोन पर वो रो रहा है, बिलख रहा है और भारत आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अंजू के प्यार में इतना बेइंतहा पागल हो गया है नसरुल्ला, क्योंकि उसे भारत और पाकिस्तान की सरहद की बंदिशों का भी ख्याल नहीं है। आपको बता दें कि इस बीच अंजू ने दावा किया है कि नसरुल्ला उससे मिलने के लिए कभी भी भारत आ सकता है। ऐसे में क्या नसरुल्ला भारत बाघा बॉर्डर होते हुए आएगा? क्या वैध तरीके से आएगा या फिर किसी अन्य तरीके से भारत में घुसकर अंजू से मुलाकात करने की तैयारी है? क्योंकि जिस तरीके से आने वाले वक्त में यहाँ पर जो स्थिति बनती नजर आ रही है, उसके माध्यम से तो यही लग रहा है कि नसरुल्ला भारत में किसी भी तरीके से आना चाहता है और वह अंजू से मुलाकात करना चाहता है। इस पर सवाल पूछने पर अंजू के पति अरविंद ने कहा कि उसे इस मामले पर कुछ भी नहीं पता है और वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देता है, ना ही अंजू के पास अपने बच्चों को छोड़ने देने वाला है और ना ही वह अपने घर में किसी तीसरे व्यक्ति को रखने वाला है। ऐसे में अंजू जो कि नसरुल्ला से उतना ही प्रेम करती है जो कि वो शुरुआती दिन में कर रही थी, तो क्या अब नसरुल्ला को किस तरीके से अंजू भारत बुलाएगी, इस पर बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि नसरुल्ला भारत में दुबई के रास्ते से आने की तैयारी कर रहा है। इस माध्यम से आपको बता दें कि अंजू एक तरीके से जो दुबई को अपनी ड्रीम कंट्री बताती है, अंजू ने पाकिस्तान में रहकर ये मास्टर प्लान तैयार किया कि किस तरीके से वो भारत से दुबई आएगी और दुबई में नसरुल्ला से मिलेगी और वहां पर अपने प्यार को परवान चढ़ाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मामला नजर आ रहा है कि अंजू के जो बच्चे हैं वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं है। बता दें आपको कि अंजू के बच्चों ने कहा है पुलिस पूछताछ के दौरान कि उन्हें यहीं पे रहना है और उनकी मां को भी यहीं पे रखना चाहते हैं। इस बीच अंजू अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहती है, लेकिन नसरुल्ला उससे बार बार मिलने की बातें कर रहा है, मुलाकात की कोशिशें कर रहा है। ऐसे में अंजू का कहना है कि वो भारत वैध तरीके से ही आएगा और आने के बाद यहाँ पर अपने प्रेमी से मिलने के लिए अंजू भी उसको पर्याप्त वक्त देगी। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में भारत के राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान चली गई थी। वहां घूमने के इरादे से गई अंजू ने अपने फेसबुक के दोस्त नसरुल्ला से निकाह कर लिया था। इसी के साथ अपना धर्म जो कि ईसाई धर्म को मानती थी उसको बदलकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और ऐसे में अब वापसी हुई है तो उसके पति और उसके पिता ने कहा है कि जब अंजू ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है तो ऐसे में हमारे पास अब उसको रखने का कोई अधिकार नहीं है और उसको हमारे पास रहने का भी कोई अधिकार नहीं। तो किस तरीके से मास्टर प्लान यहाँ पर नसरुल्ला तैयार कर रहा है और किस तरीके से अंजू से मुलाकात रहेगा, इस पर जल्द ही बड़ी अपडेट आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।